नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं, और टॉपिक का नाम है आदित्य L1, तो जिसको सूर्य यान के नाम से भी जाना जाता है। तो चांद के बाद अब भारत सूरज की ओर देख रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा के राज जानने में बिजी है। शनिवार को सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ का कहना है कि इसरो सौर मिशन आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट और सैटेलाइट रेडी हैं। हमने लॉन्च के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया है। काउंटडाउन भी शुक्रवार सुबह 11:50 बजे शुरू कर दिया गया है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। आदित्य L1 मिशन क्या है, ये कब लॉन्च होगा और कहाँ से ये लॉन्च होगा? तो इसरो ने, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, देश के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। आदित्य L1 मिशन का लॉन्च 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 बजे होगा। चंद्रयान 3 की तरह इसे भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। अब जानते हैं कि आदित्य L1 के साथ ये L1 क्या है। तो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लॉन्चिंग पॉइंट, जिसको L1 के नाम से जाना जा रहा है, के चारों ओर एक हेलो कक्षा में रखा जाएगा। यह जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में लॉन्चिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ दो पिंडों वाली गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में एक छोटी सी वस्तु को जब रखा जाता है तो वह स्थिर रहती है। सूर्य और पृथ्वी जैसे दो सिस्टम के लिए लॉन्चिंग बिंदु ऐसे ऑप्टिमम पॉइंट बन जाते हैं जहां स्पेसक्राफ्ट कम ईंधन की खपत के साथ बने रह सकते हैं। अगर हम बात करें कि सोलर सिस्टम में कितने लॉन्चिंग पॉइंट हैं, तो टोटल 5 लॉन्चिंग पॉइंट हैं, और लॉन्चिंग बिंदु L1 वह है जहां आदित्य L1 जा रहा है। तो लॉन्च के बाद कैसे आदित्य L1 आगे बढ़ेगा, तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। पहले इसे पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखा जाएगा, फिर कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा, आखिर में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर लॉन्चिंग बिंदु 1 की ओर धकेल दिया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आदित्य L1 का क्रूज स्टेज शुरू होगा, जिसके बाद यह लॉन्चिंग बिंदु के चारों ओर एक हेलो कक्षा में प्रवेश करेगा। तो इसरो के अनुसार पृथ्वी से लॉन्चिंग बिंदु 1 तक का सफर पूरा करने में लगभग 4 महीने लगेंगे। तो ये आदित्य L1 मिशन 4 महीने तक चलेगा, और जब वो वहाँ पर पहुँचने के लिए उसको 4 महीने लगेंगे। तो आदित्य L1 पर अब कौन कौन से पेलोड लगे हैं, ये उसके बारे में हम जानते हैं। तो आदित्य L1 पर ऑन बोर्ड कुल 7 पेलोड हैं, इनमें से 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं और 3 इन सीटू पेलोड्स। आदित्य L1 के उपकरणों को मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर वातावरण का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। तो अब हम जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य क्या हैं। तो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल के बारे में पता करना, और सौर कोरोना और इसकी हीटिंग तंत्र की भौतिकी का पता करना, और इसके साथ ही CME का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति का पता करना, और सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र को मापना, और इसके साथ ही अंतरिक्ष मौसम के चालक जैसे सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और इसकी गतिशीलता को पता करना। और मैं अगर आपको बता दूं तो भारत एशिया में पहला ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जिसने सूर्य के ऊपर स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इससे पहले USA और फ्रांस, जर्मनी जैसे कुछ कंट्रियों ने अभी तक ये कारनामा करके दिखाया है। अभी तक एशिया में ना रशिया ने और ना ही चाइना ने ये काम किया है। तो भारत एशिया में पहला ऐसा कंट्री बनने जा रहा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। तो कल 11:50 पर हम इसरो के यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट इसको इसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं, जैसे हमने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी थी। और यही आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह सूर्ययान भी, जो कि आदित्य L1 नाम से जाना जा रहा है, वो भी सफल हो और इंडिया एक हिस्ट्री क्रिएट कर दे। तो यहीं पर हम वीडियो को पूर्ण विराम करते हैं, और हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।